अक्सर भारत में रहकर शादी करके लड़कियों के कनाडा जाने की खबर तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है जिसमें लड़की अपने पति को छोड़कर कनाडा चली गई हो और वहां जाकर दूसरी शादी कर ली हो? ऐसी ही एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल युवक से शादी करने के बाद कनाडा जाकर पति को अपने पास बुलाने के लिए टाल मटोल कर रही लड़की का एक मामला बाटला के नजदीक गाँव पेरो शाह से सामने आया है। यहाँ के रहने वाले हरमिंदर सिंह के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। उसकी पत्नी कनाडा तो चली गई, लेकिन उसे अपने पास नहीं बुलाया। अब इस संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से एसएसपी दफ्तर में उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई है। बाटला क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए हरमिंदर सिंह और उनके परिवार ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले बाटला के एक गाँव की रहने वाली लड़की के साथ हुई थी। वो दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और दोनों परिवार की रजामंदी के साथ रिश्ता तय हुआ था। शादी के करीब 3 महीने बाद उसकी पत्नी कनाडा चली गई। दरअसल उसने पत्नी के अच्छे भविष्य के लिए सपना देखा और उसे कनाडा में पढ़ाई के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, हरमिंदर कॉलेज की फीस भी भरता रहा और ये फीस उसने अपनी पैतृक जमीन बेच कर दी। चौंकाने वाली बात जो हरमिंदर ने बताई वो ये थी कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन कनाडा जाकर उसने अबॉर्शन करा लिया। मेरे नाल एक बहुत बड़ा गेम हुई है, जो कि घुमाण तो रहन वाले ही मेरी वाइफ ही है, ठीक है, राजमीत कौर, ठीक है। उन्होंने माँ पिता का नाम उन्होंने अमरीक सिंह जी, मम्मी का नाम बलविंदर कौर, ठीक है जी। असी कट्ठे ही पहले तो पढ़ते होंगे सी, ठीक है जी, कट्ठे पढ़द चलो साडा फेयर हो गया। मुड़ के हौली हौली असी दोवे ने अपने परिवारों को मनाया जी, मैरिज कर ली। मैरिज करन तो बाद सर फिर दोबारा की होया भी 2-3 महीने बाद रुकन मैं मतलब कि मैरिज तो बाद मेरे को रुकी हो, रुकन तो बाद वो कनाडा मतलब कि चली गई। साडा प्लान होया भी चल तू चले जा, भी कोई गल नहीं, जाके मैनू कहंदी बुला लूंगी मैं तेनू, ठीक है। मैं कभी ओके चलो मैं जा, वह चली गई। जो सर मैं वो बाद फीसा फूसा भी पे की, 2-3 बारी मेरा अपलाई भी किया, ठीक है जी। वो अपलाई भी पता नहीं किसी पेपर दे सही नहीं मैनू कोई भेज दे रहे, उदे करके मेरा रिफ्यूज भी लगता रहा, ठीक है जी, रिफ्यूज लैटर भी है मेरे तो पियां। हरमिंदर सिंह ने बताया कि पहले तो उसकी पत्नी उसे कनाडा ले जाने के लिए झांसा देती रही। हालांकि 2-3 बार उसने अर्जी पर उसकी फाइल भी लगाई, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण उसे कनाडा का वीजा नहीं मिल पाया। और अब उसके कनाडा में रहने वाले दोस्तों ने जानकारी दी कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी ने कनाडा में शादी कर ली है। वहीं हरमिंदर की मां सुरजीत कौर ने कहा कि 12 साल से कनाडा जाने की उम्मीद में उसके बेटे को धोखा मिला है, जिससे उसे बहुत ठेस पहुंचा है। बहरहाल इस घटना के बाद हरमिंदर के साथ ही पूरा परिवार भी परेशान है और अब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले की गहराई से जांच करके पीड़ित को इंसाफ दिलाया जाएगा।